इस पार्टी की भाषा में अंतर है। हम लोग भी चैनल्स में बैठते हैं, कांग्रेस के कई प्रवक्ता बोलते हैं, उनकी बातें हमें मिलती हैं। तो सुप्रिया जी एक सकारात्मक चिंता जता रही जो सही है। कौन कह रहा है कि अर्थव्यवस्था पे चिंता नहीं होगी? ये मानना कि अर्थव्यवस्था पे चिंता नहीं होगी गलत है, जरूर होगी, होनी भी चाहिए, करनी भी पड़े और होगी, लेकिन हर चीज की एक टाइमिंग है। क्योंकि आप देखिए इस बात को 15 वही तो मैं कह रहा हूँ ना, 15 दिन की टाइमिंग में आप देखिए सबसे पहले प्राथमिकता क्या थी, और इसको मैं आप इसको जस्ट टाइमलाइन से देखिए। प्राथमिकता थी लॉकडाउन, लॉकडाउन के बाद प्राथमिकता थी उसको इंप्लीमेंट करके पहली बात लगी कि गरीबों की चिंता की जाए, तब वो पहला पैकेज आए 1,70,000 करोड़। उसी में शुरू हो गई चर्चा, भाई मध्यम वर्ग है, लोन्स है, एनपीए हो जाएंगे, ईएमआई होंगे, वो अनाउंस हो गए। कुछ जनरल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है कि आपकी बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए कंपनी एक्ट में, उन सब के ऊपर अनाउंसमेंट हुआ। तो सिलसिला वैसे होगा, लेकिन आज बिल्कुल बिल्कुल ममता मैं डिबेट में शामिल करूं, मैं काफी देर से बोलना चाह रही हूं ममता, मैं आ रहा हूं आपके पास जी। पहले महामारी की तो लड़ाई को हम लगे, राइट नलिन वो आपका पॉइंट सही है, वो पॉइंट सही है जिस पॉइंट को फिरोज साहब कह रहे थे जी। ममता काले, इस वक्त सब बीजेपी सपा बसपा सबको साथ आना चाहिए और जी, जी, को जी, परे बाहर जी, मैं बहुत समय से सबकी बातें सुन रही हूँ। पहले तो मैं अतीक और रहमान भाई से ये पूछना चाहती हूँ कि वो किस तरीके से और कौन सा मैकेनिज्म और कौन सा मीडियम वो अपनाना चाहते हैं कि तबलीगी जमात के जो फिदाइन बॉम्ब बनके सब जगह घूम रहे हैं, ह्यूमन बॉम्ब बनके, उन तक ये मैसेज पॉजिटिव तरीके से जाए, और वो क्या चाहते हैं कि किस तरीके से वो इस मैसेज को पॉजिटिवली लें। उनकी वजह से दिल्ली के अंदर 23 पुलिस वाले भी क्वारंटाइन में चले गए हैं। हर मीडिया हाउस, हर सेंसिबल व्यक्ति इस देश का, इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, उनसे निवेदन कर रहा है कि प्लीज आप लोग आइए, अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कीजिए, क्वारंटाइन में जाइए, अपने को चेक कराइए, फिदाइंस मत बनिए, खुद को और बाकियों को मत मारिए। क्या चाहते हैं कि किस तरीके से बात करें? प्रतीक जी, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि इटली के अंदर जब इटली ने वुहान की सारी फ्लाइट्स बंद करी तो वहां के जितने भी लिबरल नेता थे वो सड़कों पर आ गए और उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये तो गलत है, ये तो बहुत गलत हो रहा है चाइना के साथ। और फिर उन्होंने क्या किया, एक वहां पे कैंपेन चलाई हग अ चाइनीज, जिसमें एक चाइनीज व्यक्ति जो है हर चौराहे पे जाके खड़े हो गए, मुंह पे मास्क और आंखों पे पट्टी लगाकर, और उन्होंने अपने आगे प्लकार्ड लगा दिया, आई एम अ चाइनीज नॉट अ वायरस, और लोगों ने जा करके उनको गले लगाना शुरू कर दिया। और आज हम जो है इटली की हालत देख रहे हैं, वही बेवकूफी तबलीगी जमात ने भारतवर्ष के अंदर कहीं करी है। हिंदू हो सकता है कि चाइना ने साजिश करी है पूरी दुनिया के साथ। फिरोज भाई आ रहा हूं, आप लोग प्लीज बाहर निकल के अपने अपने घरों चले जाइए, अपने अपने रास्तों में चले जाइए। निशांत जी बोल नहीं पाए थे, करी अंदर बैठे रहे, इस बीमारी को लेकर के पूरे भारत विश्व के अंदर घूमे। और दूसरी बात, आप जो है इंटरनेशनल लोगों को टूरिस्ट वीजा में भारत के अंदर लेके आए और उनको आप रिलीजियस प्रीचर बना रहे हैं यहाँ पर, और आप चाहते हैं कि कोई भी इस विषय में बात ना हो। सर, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये राइट और रॉन्ग की बात है, ये हर हिंदुस्तानी की जिंदगी का सवाल है, ये भारत की आवाज का सवाल है। आप क्या बनाना चाहते हैं भारत पर? निशांत जी अपना पॉइंट कहना चाहते हैं, पिछली बार टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बात नहीं हो पाई थी। निशांत जी, यस ममता कूड़ा ममता जी, निशांत जी करना चाहिए था इन लोगों को। और ये पता नहीं, निशांत जी मैंने काफी देर से सुना और मैं अपेक्षा करूंगा कि मैं जब कहूं तो ये फिरोज साहब इन्हीं पे चला लो प्रोग्राम। फिर फिरोज साहब बराए मेहरबान, फिरोज साहब जी, निशांत जी धन्यवाद। मैं आशा करूंगा कि मुझे आधा पौना मिनट मिलेगा। जी बोलिए निशांत जी। मैं इस बात से परेशान हूँ कि इंटेलिजेंट लोग यहाँ बैठ के अभी भी तबलीगी जमात को डिस्कस कर रहे हैं। मैं भी करता हूँ। अगर तबलीगी जमात के साथ जो भी हुआ दिल्ली निज़ामुद्दीन के अंदर, अगर वो गलत है तो आज की तारीख में अमित शाह को सबसे पहले रिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर का काम उनके पास था और मरकज़ के लगे और लग दीवाल जो है वो पुलिस स्टेशन, पुलिस थाना निज़ामुद्दीन की है। ये कोई नई बात नहीं है, इन्हें खाली करना। बीच में ना बोले कोई, मैं अगर बीच में बोलना शुरू करूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी बात, यहाँ पर बैठ कर के बड़ा ज्ञान बाँटा जा रहा है कि किस तरीके से चुप हो जाए, प्लीज बात कह लें दीजिए, बात कह लें दीजिए। निशांत जी आप बात कहिए। ये कौन है? फिरोज भाई आप हैं कौन? आप जानते क्या हैं इस चीज के बारे में? अब आप चुप